बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा वाइब है यहाँ का, पॉजिटिव वाइब, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर बन। गए हैं हम लोग आधे रास्ते, आधा रास्ता हमने क्रॉस कर लिया है, आधा रास्ता बचा हुआ है। और हम लोग स्टार्ट किए थे ये यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और अभी हम लोग हैं इस जगह पे। आधा हमने कवर कर लिया है, आधा बचा हुआ है। पहाड़ को काट के यहाँ पे रोड बनाया गया है, और इकलौते हम ही लोग हैं यहाँ पे, और कोई है भी नहीं। बस हम लोग घूमने आए, दर्शन करेंगे, और काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा, और बहुत ही शांति है, बहुत ही सुकून है यहाँ पे। तो टाइम स्पेंड करने कोई भी आ सकता है, अच्छा जगह है, ज़रूर आइए। और चलते हैं ऊपर। फाइनली हम लोग आ गए हैं भगवान महावीर के जन्मस्थल पे। मंदिर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसका मैं आपको आगे वीडियो दिखाऊंगा। और अभी जो मेन मंदिर है ना, वो मेन मंदिर आम पब्लिक के लिए नहीं खुला है, वो अभी आम पब्लिक के लिए बंद है, वो सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए खुला हुआ है। बाकी जब अन्य लोगों के लिए या आम लोगों के लिए खुल जाएगा तो फिर एक बार यहाँ पे जरूर आएंगे, और यहाँ पे मंदिर जरूर दिखाएंगे आपको कैसा है। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और सारा मार्बल और बहुत ही अच्छा नक्काशी किया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस दिए गए हैं हम लोगों को, भगवान महावीर क्या क्या मैसेज दिए थे वो सब इन दीवारों पे लगा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अगली बार जब आएंगे तो इसको अच्छे से आपको दिखाएंगे। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा वाइब है यहाँ का, पॉजिटिव वाइब, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर बन रहा है।
आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। बताइएगा आपको ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बी इन टच। बाय।